बीन, मैं योगन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। मैं अभी हूँ कालिम्पोंग, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला कालिम्पोंग, जो समुंदर तल से करीब 4110 फुट की ऊंचाई में पहाड़ी जगह है। आज मैं आया हूँ कालिम्पोंग का रैली रोड। रैली रोड में एक चर्च है जिसको एल्सराइ चर्च बोला जाता है, और ये एल्सराइ चर्च में इस बार 2022 में 17 तारीख से आज यहाँ पर 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये करीब 17 तारीख दिसंबर से करीब 25-26 तारीख तक ये जो सभा है, जो आत्मिक ये महासभा चल रहा है, जिसको होली कन्वेंशन कहा जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एल्सराइ चर्च, जो कालिम्पोंग में बहुत पुराना चर्च है, जिसमें से 1947 साल में ये चर्च स्थापना किया गया था। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं भारी मात्रा में आज जितना भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट को या क्राइस्ट को विश्वास करने वाला जितना भी है आज आ रहा है यहाँ पर रिसेप्शन में। आप लोग देख रहे हैं तो भारतीय संविधान ने हम लोग को जो सुविधा दिया गया है कि सभी धर्मों को इज्जत करना, चाहे जो भी धर्म का हो, एक विश्वास से ही देखा जाता है, चाहे जो भी धर्म को, ये संविधान ने हम लोग को एक अधिकार दिया गया है। तो क्रिसमस भी सामने आने वाला है, पूजा भी सामने आएगा, और ईद ये सब सामने आता ही रहता है। तो भारतीय संविधान ने जो हम लोग को अधिकार दिया गया है, इसको रेस्पेक्ट हम लोग को करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं जो एल्सराइ का जो हिस्ट्री है, कहाँ से क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। आपको शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सालेम राजन नायर। हाँ सर, बाय प्रोफेशनल आप क्या काम करते हैं सर? पहले मैं स्कूल में काम करता था सिक्किम में। हाँ जी। और अभी के समय में तो रिटायर होकर यहाँ पर एल्सराइ में प्रभु के घर में काम का सेवा इत्यादि कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग का यहाँ पर जो होली कन्वोकेशन जो हो रहा है, इसके बारे में आपको कुछ कहना है? और मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ये जो एल्सराइ चर्च में कौन सा पद में है? अभी तो हम लोग का तो इसमें एल्सराइ चर्च में उतना पद के बारे में उतना नहीं होता है, जैसे कि फादर, डिकन, एल्डर। लेकिन अभी डिकन के रूप में मैं रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और इस प्रकार से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा सर, राजन सर, आप लोग का जो ये 75 वर्षों गांठ हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? और ये जो एल्सराइ का हिस्ट्री जो कालिम्पोंग रैली रोड में स्थापित है, दो सब बताइए प्लीज। तो क्या हो गया, 1947 साल में जी एक भाई जोर्डन खान बोल के यहाँ पर आया था, और प्रचारक था, और उसने इस प्रकार से नया जन्म के बारे में प्रचार करते हुए उसने यहाँ पर यह काम शुरू किया। और उस समय में यवानिसी में एक हमारा भाई विक्टर प्रधान बोल के था, अभी तो वो प्रो में सो गए हैं, उसके द्वारा यहाँ पर ये काम शुरू हुआ। वहाँ पर 10.5 माइल में यवा निशी में वे लोग रहते थे, और वहाँ पर उन्होंने वह भाई जोर्डन खान को बुलाया, और अपने जब उसने सुसमाचार दिया जोर्डन खान ने, तो उस सुसमाचार के समय में प्रभु यीशु मसीह में जो उदार है, मुक्ति है, इसके बारे में उनको बताया, और उसने ये बात उसको समझ में आ गया, और अपने पाप को मान लेकर किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसी कारण वो इस संसार में आया था कि हम आज मुक्ति पाए, और मुक्ति के लिए उसका नाम का अर्थ ही है, यीशु नाम का अर्थ ही है कि वो हमारे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति देगा। और ये बात जब उनको बताया गया तो केवल प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से मुक्ति देने के लिए संसार में आया, और उसने वो क्रूस पर अपना प्राण दिया और अपना लहू बहाया। और हमारा जोड़ क्या है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। और ये बात को जब उन्हें जब उन्होंने सुना, और ये बात भी वहाँ उसको बताया गया, पहला यौहन्ना 1:9 पद में इस प्रकार से लिखा गया है कि जब हम अपने पाप को मान लेते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे पापों को क्षमा करने, अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो सदा तैयार है। और ये बात जब उन्होंने सुना तो उसने तुरंत उस समय में अपने चरण में घुटने में आकर उसने अपना पाप को मान लिया, और प्रभु यीशु तू ही है मेरे लिए मुक्तिदाता, तूने आज मेरे लिए मेरे पापों के लिए अपना प्राण बलिदान किया, मैं तेरे ये मुक्ति को मैं मुक्तिदाता करके मैं आपको स्वीकार करता हूँ बोल के उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, और तुरंत उनके जीवन में एक परिवर्तन आ गया।
ये अद्भुत बात है जब हम प्रभु किचन में आकर अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु जब हमारे पापों को शुद्ध करता है तो हमारा पूरा जीवन पुराना जीवन जो है एक ये नया बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए, देखो वे सब नई हो गई। इस प्रकार का संदेश जब सुनाया गया उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसने और लोगों को जो भी था उनको बुलाया अपने घर में यवानिसी में। उस समय में 1947 साल के बात मैं कर रहा हूँ और उस समय में ये प्रकार से एक जागृति और बहुत से लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह को पाया। सर आपको बात को थोड़ा मैं काटते हुए, ये कितना साल में सर ये एलसादाई का काम शुरू हुआ? और उसी समय से वहीं पर जब 1947 साल, अच्छा 2022 में अब 47 साल 17 सितंबर में ये बात शुरू हुआ था। अच्छा आप लोग का ये मेन एलसादाई तो हेड चर्च ही है, तो ये हेड चर्च की और से और ब्रांचेस चर्चेस कहाँ का पर स्थापन हुआ है सर? और हमारे यहाँ से जब काम शुरू हुआ तो काम बढ़ते गया, बढ़ते जाने से नेपाल में बहुत से मंडली वहाँ पर आए, सही 200 और उससे ज़्यादा मंडली वहाँ पर है, और सिक्किम में काम हुआ। उस समय सिक्किम भी आज एक राज्य हुआ, दूसरा देश ही था, लेकिन बाद में अभी वो हुआ और वहाँ पर काम हुआ, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और उसके बाद यहाँ से कालिम्पोंग से जो कुछ काम बढ़ गया, और उधर उधर साउथ इंडिया में तो पहले ही काम शुरू हो गया था, और इस प्रकार से यहाँ से डुअर्स एरिया में भी ये काम इस प्रकार से हुआ और देश विदेश में भी और ये काम फैलते गए। अच्छा सर 1947 में काम हुआ, आज 75 साल होने को है सर, तो आज से आप लोग का यहाँ पर होली कन्वोकेशन शुरू हो रहा है, तो कोरोना के टाइम में क्या कैसा था आप लोग? कोरोना टाइम में क्या कन्वोकेशन किए? कोरोना के समय में हम लोग कन्वोकेशन कर नहीं सके। 2019 में कन्वोकेशन हुआ, उसके बाद 2020 में तो ये कोरोना शुरू हो गया जिसके कारण हम ये कर नहीं सके, लेकिन और दूसरे जगह में तो ये होते गया सेवा होते गया। और हम यहाँ पर एलसादाई में रहते हुए तो जो सेवा हमको करना था, जो हफ्ता भर का सेवा है, सप्ताह भर का सेवा है, और ऐसी सेवा तो हम करते गए, कभी भी हम नहीं चुके इस बारे में, और इस सेवा हमने करते करते गया और इधर उधर जाकर इस सेवा को कायम करने के लिए हमने इस प्रकार से। अच्छा सर ये आप लोग का जो कन्वोकेशन चल रहा है, ये कन्वोकेशन में किए क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन सबको इनवाइट कर रहे हैं या किस टाइप का आप लोग का हो रहा है? तो सबको हम इस प्रकार से इनवाइट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक हैंडबिल हमने बनाया है जिसमें यहाँ पर एक प्रमुख वचन बोल के वहाँ माने तिमीहरू पूर्ण छौ, कलसी 2:10 पद नेपाली में यहाँ पर है, और यहाँ पर लिखा गया परमेश्वरको शुभेच्छा भए एलसादाई 16 रेली रोड कालिम्पोङ जिल्ला कालिम्पोङ पश्चिम बंगाल मा आयोजित हुने पवित्र महासभा मा तपाईहरूलाई प्रेम सहित निमन्त्रणा जनाउँदछु। मतलब क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन सबको आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, सब आ सकते हैं। अच्छा सर को मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रैक्टिकल खबर व्यूअर्स को और पब्लिक को, लास्टली शॉर्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पवित्र महासभा जो यहाँ पर होने जा रहा है, जो आज से शुरू होगा ये, और इससे प्रकाश ये शुरू होकर ये 25 तारीख तक जाएगा, उस समय में आप जो भी आपने ये संदेश आप सुन रहे हैं तो आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर विशेष करके हमारा हृदय का जो बोझ अर्थात परमेश्वर का जो उद्देश्य पवित्र महासभा के संबंध में बाइबल में भी ये प्रकार से लिखा गया है कि तुम मेरे लोगों को इकट्ठे करो ताकि मैं उनको मेरे विचार को मैं उनको प्रकट कर सकूं, मेरी सलाह मैं उनको दे सकूं, मैं उनको मेरे बारे में बता सकूं। इस प्रकार से ये बात इस प्रकार से महासभा का जो उद्देश्य है ये उद्देश्य है, आप भी यहाँ पर आकर आप परमेश्वर की आवाज़ जो है यहाँ पर जीवित परमेश्वर का जीवित है, हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, वो जो आवाज़ देता है वह भी जीवित है कि हमका आज इस प्रकार से वो हमको स्वागत करता है। वो कहता है आओ सब बोझ से दबे हैं लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए जब आप यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर का जो उद्देश्य परमेश्वर का जो विचार है उसका आप समझ सकेंगे, परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है आपके संबंध में परमेश्वर जो विचार है वो आप जान सकेंगे और इस प्रकार से परमेश्वर के उद्देश्य में भी आप आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आप देख रहे थे एलसादाई में जो 75वां वर्षगांठ चल रहा है, आप लोग देख रहे थे धर्म जो भी धर्म हो एक विश्वास की नजर से देखा जाता है, तो भारतीय संविधान ने हम लोग को एक अधिकार दिया है कि कोई धर्म को कोई भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है हम किसी भी धर्म को विरोध नहीं कर सकते हैं।
किसी भी धर्म को हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन विरोध नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं भारतीय संविधान का कहना है। तो दर्शकबिंद आप लोग देख रहे हैं ये खास तौर से जो कालिम्पोंग में जो 75वां वर्षगांठ एलसदाई की ओर से मनाया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आज से ये कन्वोकेशन शुरू होने जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कोरोना के टाइम में ऐसा कुछ यहाँ पर कन्वोकेशन ये सब हुआ नहीं, लेकिन 2022 ये आज 17 तारीख से यहाँ पर होली कन्वोकेशन शुरू हो रहा है, आप लोग यहाँ पर सर्तबला प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। यो एलसदाई चर्च जो 1947 साल में जो स्थापना भएको थियो यसको बारे में सानो हिस्ट्री भनिदिनुहुन्छ कि? र सर्वप्रथम तपाईहरु प्रैक्टिकल च्यानललाई पनि धन्यवाद। र विशेष अब यो एलसदाई चर्च कसरी स्थापना भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1947 मा खडकपुर भन्ने जग्गाबाट ब्रदर जेसी खान यहाँनिर कालिम्पोङ ब्रिक फाउन्डेसन चर्चमा आउनु भएको थियो अनि त्यस समयमा त्यस जग्गामा उहाँले वचन दिइसके पश्चात चाहिँ उद्धार र मुक्तिको सम्बन्धमा वचन दिनुहुँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले ग्रहण गर्नुभयो अनि धेरैजनाले ग्रहण गरे पश्चात चाहिँ फेरि पनि पछिबाट त्यो ग्रहण गरेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ मेकफार्लेन चर्चलाई छोडेर यता 10.5 माइल जेवानिसी भन्ने जग्गामा सानो झुन लिएर त्यहाँ उहाँले यो सेवालाई सुरु गर्नुभयो अनि त्यस जग्गाको नाम जेवानिसी नाम दियो। त्यस पश्चात फेरि जेवानिसीदेखि लिएर 2 वर्ष जेवानिसी भन्ने स्थानमा सेवकाइ भयो। त्यस पश्चात कालिम्पोङ अनि यहाँनिर तल 16 रेली रोडमा एलसदाई नामकरण गरेर यहाँनिर यो सेवालाई सुरु गर्नुभयो। विशेष हाम्रा ब्रदर जोडन खान अनि यो सेवा स्थापना हुँदा चाहिँ ब्रदर भक्त सिंह मद्रासबाट आइकन यहाँनिर यो सेवा सुरु गर्नुभयो अनि 1948 चाहिँ यो पवित्र महासभा लगातार रूपमा हुँदै हुँदै गएर र आज यो सेवाकाइ चाहिँ 75 वर्षको समयमा आइपुग्यो। र अब यो 75 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यस जग्गामा यो 17-25 तारिकसम्म चाहिँ यो पवित्र महासभा भइरहेको छ। र अब यो पवित्र महासभाको विशेष उद्देश्य चाहिँ छ इन्डियाको विभिन्न भागबाट आइकन यस जग्गामा सेवा गर्ने गर्छन् अनि पवित्र सभा भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा नामकरण गरेको यो चाहिँ एउटा होली शब्द देखाउँछ। यस होलीले चाहिँ के गर्छ भने यस जग्गामा आइकन शुद्धिकरणको काम पाप क्षमाका काम परमेश्वरको वचनबाट बुझेर पवित्र आत्माले उहाँलाई अटाई खटाए अनुसार चाहिँ अब बुझे पश्चात चाहिँ मान्छे जाति चाहिँ पापमा जन्मेको हुन्छ अनि पापमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि जब उहाँ आफ्नो पाप चिन्छ बुझ्छ त्यस पश्चात उहाँले ग्रहण गर्छ अनि ग्रहण गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ शान्ति बहाल हुने काम गर्छ, एकता आउने काम गर्छ अनि यो पवित्र महासभाले चाहिँ विशेष एउटा झोपडीको चाड पनि भन्छ, प्रायश्चितको चाड पनि भन्छ। यो चाहिँ पुरानो समयमा 9 वर्ष 23 सदाईमा चाहिँ यो कुरा लेखिएको थियो अनि यही कुरालाई चाहिँ ब्रदर भक्त सिंहले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभयो अनि यो सेवा आजसम्म कन्टिन्यू रूपमा चलिरहेको छ। अब यो सेवा भारतबाट भयो, भारतको विभिन्न भागमा, नेपालको विभिन्न भागमा, भुटानबाट अनि कहिले कहीँ बाहिर देश विदेशबाट पनि आउने गर्छन् अनि यो सेवकैमा आए पश्चात चाहिँ धेरैले आत्मिकी लाभ उठाउँछ जसले चाहिँ यस जग्गाबाट एउटा शान्तिको सन्देश दिन्छ सम्पूर्ण विश्वलाई, सम्पूर्ण मानव जातिलाई शान्तिको सन्देश, सुसमाचारको सन्देश दिन्छ अनि पापबाट मुक्त हुनको लागि अनि स्वर्ग जानुको लागि यही कुरा चाहिँ आजसम्म यस चर्चले गरिरहेको छ अनि अझै पनि आउने दिनमा यही सेवालाई हामी निरन्तरता दिँदै जानेवाला छौँ। अच्छा सर, तपाईँको शुभ नाम के भन्नुभयो? प्रेम तामाङ। प्रेम तामाङ, अच्छा यो एलसदाई चर्चमा तपाईँको कुन चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ? डिकन पदमा। डिकनमा हुनुहुन्छ। अच्छा, यो तपाईँको कोरोनाको टाइममा के कन्भोकेसन के कस्तो भयो होला? कोरोनाको टाइममा चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ बन्द भयो, 2 वर्ष हुनु सकेन। यो चाहिँ कतिवटा अब बिमार सबै त्यो थाहा थियो, संसारै प्रकोपमा परेको। अच्छा, कोरोनाको बादमा चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रथमचोटि गर्नुभयो? प्रथमचोटि हुँदैछ। हजुर, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, प्लिज योर गुड नेम। माय नेम इज शामिल प्रधान। ओके सर, सर आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एलसदाई होली कन्वोकेशन। यू वांट टू से समथिंग? वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस होली कन्वोकेशन सिंस लास्ट 2 इयर्स। वी आर अनेबल टू होल्ड दिस मीटिंग बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। यस, so for this is the 3rd consecutive year we are organizing this convocation and it's a huge, many believers or delegates are coming from
this region of Kalimpong, Darjeeling, Duas, Sikkim, Bhutan, Nepal, Northeast, and other parts of India also, some brothers and sisters from South India, okay, especially Andhra Pradesh, Tamil Nadu, okay, Gujarat, they are also coming, and some of them have already come, okay, and some believers from abroad, okay, US, UK, Australia, they are also coming, okay, and we will be organizing this convocation, which is till 25 December. Yes, from 17th of okay, today okay, sir. Evening. Okay, sir. Start from today, it will go up to 25th of December, that is Sunday, yes. Sunday, till 25th. 25th, yes. Okay, sir, what do you think regarding 25 December Christmas celebrating from El Sadai? No, we are, in fact, we are, we enjoy or we are blessed with the birth of Jesus Christ, okay, as he has come here on the earth to save the sinners. Okay. But we are not celebrating. We are not celebrating Christmas because it is not mentioned in the Bible. Okay. The specific, but it is not wrong. It is not specifically mentioned in Bible, mm-hmm, so we are not celebrating. Okay. But we respect or we recognize, mm-hmm, or we rejoice, we are blessed, we are thankful for the Jesus Christ because he has come here, okay, on the earth, mm-hmm, to save sinners. Okay, sir. Mm. I'm going to one question and the history of El Sadai. Yes. El Sadai is our congregation. Okay. It was started or it was the beginning of this was in this region, especially in the hilly region, mm-hmm, started from 1947. Okay. From the September month, I think 19th of September, mm-hmm, the church was established. And from that, from 1947, mm-hmm, all these 75 years, we are struggling and God is helping us, God is guiding us, God has helped us to propagate His message, okay, gospel, mm-hmm, throughout the world, mm-hmm, especially in Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, Bhutan, Nepal, mm-hmm, and other parts of India also. So we have many churches established, okay, in different, in all these localities. Okay, sir. Lastly, I'm going to one question. You have any message to practical cover viewers and people? Last moral lesson, like moral lesson, one message to all. We are celebrating or we are organizing this convocation. You are welcome, yes, to all Christian, yes, yes, or no? Yeah, we are organizing this convocation. So all are welcome to this convocation. It will go all the way throughout the week. We are Christian or non-Christian, yes, also? Yes, all are invited. Okay. All are invited, and they can come here, and they can hear the message, and especially the good news. Mm-hmm. Because Jesus Christ is the only Savior. He is able to save us from. He has to able to save us from all our sin. Okay. And he is the only Savior. That good message. He has come on earth, on this world, to save sinners. So that good message, that good tiding, is will be preached here. So we are invite all the people, okay, all our friends, our okay. Thank you very much, sir. Thank Best of luck for conversion. Thank you.